जो है इस चैप्टर जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का मतलब होता है जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो मतलब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। क्या होता है मतलब कैपेसिटी। अगर मान लो इस रूम की बात करें और उसको हम क्यूब मान के चले, ठीक है, तो जितना लेंथ है, जितना ब्रेथ और जितना हाइट, अगर ये तीनों सेम हो जाए एक रूम के अंदर, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या बन जाएगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में सब साइड इक्वल होता है, उससे उसके साइड को हम लोग ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच, एल गुने एच, और एल बी और एच तीनों क्या है हमारा, ए ही है, तो क्या बन जाएगा ए क्यूब, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। उसके बाद हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। देखो तो सरफेस कितने हैं, छः हैं, तो एक का एरिया क्या जाएगा, ए स्क्वायर होगा, और सरफेस कितने हैं, छः, तो क्या होगा, सिक्स ए स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है सी एस ए, कर्व सर्फेस एरिया या एरिया ऑफ फोर, हाँ लेटरल सर्फेस एरिया बोलते हैं इसको, लेटरल एरिया या एरिया ऑफ फोर वाल्स भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ फोर वाल्स, एरिया ऑफ फोर वाल्स, इसका कितना जाएगा फोर ए स्क्वायर। अभी कैसे आया हूँ अभी बता रहे हैं, ठीक है, अभी लिखो एरिया ऑफ फोर वाल्स, फोर वाल्स कह रहा था एक एरिया ए स्क्वायर, तो फोर का कितना फोर ए स्क्वायर, ठीक है। और अंतिम बच गया डायगोनल, लास्ट वन क्या हमारा डायगोनल, डायगोनल समझते हो क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल क्यूब का मतलब हो गया कि इस क्यूब में, हाँ लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगा कॉर्ड, कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लो ये है हमारा, है ना, ये क्यूब उसको मांगे चल रहे हैं, तो हमको सबसे लंबा अगर कोई अरेंज करना हो तो सबसे लंबा क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल अगर निकालेंगे इसका फॉलो हो जाता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाँ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और तीनों साइड क्या हमारा ए ही है, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बन जाएगा थ्री ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा रूट अंडर थ्री ए स्क्वायर, जो स्क्वायर उससे बाहर निकल जाएगा, तो स्क्वायर में कौन है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो तो रूट थ्री ए, क्या बन जाएगा रूट थ्री ए। अभी आ रहे हैं क्यूबॉइड के ऊपर भी, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये सब लोग समझ गए, ठीक है, बस बेसिक फॉर्मूला है उसको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्यूबॉइड के ऊपर, जैसे ये बुक हमारा है, ये बुक किस शेप का है, क्यूबॉइड, क्यों उसको बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब होता है जिसमें एक कोई भी एक डायमेंशन अगर अलग हो, क्या हो, डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। अगर कोई भी एक भी डायमेंशन क्या हो, डिफरेंट हो, वो क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीन डायमेंशन होता है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर मान लो लेंथ और ब्रेथ सेम है और हाइट क्या अलग है, तो भी क्या कहलाएगा क्यूबॉइड। अगर तीनों अलग है तो भी क्यूबॉइड है, तीनों में से कोई दो अलग है तो भी क्यूबॉइड है, मतलब एक डायमेंशन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरा L और B और यहाँ पे H तीनों क्या है फिलहाल ले रहे हैं, डिफरेंट, क्या है डिफरेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा हमारा, हाँ L गुने B गुने H, ये लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो इसको अगर बुक को ले, देखिए यहाँ से देखो कितने सरफेस हैं, छः सरफेस हैं। अगर हम इसका एरिया निकाले, फर्स्ट सरफेस का एरिया निकाले, तो मान लो ये एल है और ये क्या हमारा बी है, तो एल गुने बी, और एक ऊपर का हो गया तो नीचे भी तो एल बी है, तो एल बी कितने आ गए, तो टू एल बी हो जाएगा, ठीक। समझ देखो इधर का एक सरफेस है, तो इधर क्या बी और क्या है एच है, तो बी गुने एच, और इधर भी क्या है बी गुने एच, तो टू बी एच, ठीक है, तो टू एल बी और टू बी एच, और तीसरा क्या हो गया ये एल और ये एच, तो एल गुने एच और एल गुने एच,
टू एल एच, तो इसमें से टू कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये बन गया टोटल सरफेस एरिया। टी एस ए या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वास, तो एरिया ऑफ फोर वास का होता है फॉर्मूला टू इंटू एल प्लस बी, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है देख लिए। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या है, रेक्टेंगल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब ये रेडियस हमारा क्या है आर है, तो फर्स्ट हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या जाएगा बताइए। देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बोलो या कैपेसिटी बोलो, उस टाइम कन्फ्यूज में तो जाना कि वॉल्यूम क्या हो कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों क्या है एक ही चीज़ है। कैपेसिटी मतलब हो गया कि ये जो वाटर बोतल है कितने वाटर को होल्ड कर सकता है, कितना ये कंटेंट कर सकता है, तो अंदर ही ना इसके अंदर पानी आएगा नहीं, तो इस स्पेस को जो स्पेस इसका है जिसमें वाटर आ सकता है उस स्पेस को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अब वॉल्यूम होता है थ्री डायमेंशनल, क्या होता है जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया, अब सवाल में हम कैसे समझेंगे कि जो वैल्यू है वो किसका है किस चीज़ का है नहीं, तो इसके ऊपर पावर थ्री लिखा होगा, क्या लिखा हो जैसे मीटर क्यू सेंटीमीटर क्यू वो किस चीज़ का होगा, वॉल्यूम का होगा, क्योंकि वॉल्यूम में कितने होते हैं डायमेंशन, थ्री डायमेंशन होते हैं, क्या होते हैं थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन समझते हो जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर तीन डायमेंशन का है, तो देखो दिखा रहे देखो नीचे का एरिया है, तो नीचे का एरिया क्या जाएगा मीटर स्क्वायर, एक नीचे का बेस हुआ उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और जितना इसका हाइट है जितना इसका तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका असाइनमेंट क्या बन जाएगा, मीटर क्यू या सेंटीमीटर क्यू जो भी आए सवाल के अकॉर्डिंग। चलिए सेकंड क्या हमारा है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए समझते हो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि मान लो इसको अगर हम ऐसे बेंड कर दे तो क्या बन गया सिलेंडर बन गया, अगर सिलेंडर बन गया तो अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो ये क्या है हमारा, एक सर्कल का आकार नहीं हो गया, किसका आकार हुआ सर्कल का, और सर्कल के इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बाहर से सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है टू पाई आर, जितना हाइट है तो टू पाई आर एच, सिंपल तो टू पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का बताओ कितना बन जाएगा, तो बताओ सबसे बताओ इसमें कितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, सरफेस एक तो ये है कर्व सरफेस, एक एक नीचे का है बेस और एक ऊपर का बेस है, और याद रखना आप लोगों को कि क्लास टेंथ में जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो कोई भी सॉलो नहीं है, हॉलो नहीं है, वो सभी के सभी सॉलिड है, क्या है सॉलिड है। क्लास नाइन्थ में आपको पढ़ना था हॉलो, लेकिन क्लास टेंथ में जो आप पढ़ रहे हो वो केवल सॉलिड फिगर का पढ़ रहे हो आप लोग, इसका पढ़ोगे। तो यहाँ पर जो हम लोग सॉलिड जो वॉल्यूम की बात करें सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें, दिस इज नॉट हॉलो दिस इज सॉलिड, ऊपर हेडिंग है, ऊपर हेडिंग पढ़ो लिखा हुआ सॉलिड ना, क्लास नाइन्थ आपको पढ़ना था हॉलो के बारे में, क्लास टेंथ में हॉलो नहीं पढ़ना है। सवाल हाँ देता है पुराने जो पुराने बुक होंगे उसमें दे देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको क्लास टेंथ में हॉलो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और हॉलो पर सवाल भी नहीं आते आपको क्लास टेंथ में, तो इसका क्या बन जाएगा देखो, तो छः सरफेस कितने हैं, दो सरफेस तीन सरफेस हो गए, एक तो कर्व सरफेस, एक एरिया ऑफ बेस, एक ऊपर का बेस, तो इसका बेस का फॉर्मूला क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर क्या बन जाएगा टू पाई आर स्क्वायर, और इसका टू पाई आर एच, तो टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया ऊपर के रिंग का बेस का, एक इसका कर्व सरफेस का, इसमें से कॉमन ले लो तो कॉमन क्या बन जाएगा टू पाई आर एच प्लस, हाँ तो एच प्लस आर या आर प्लस एच कर लो अरेंज कर लेते हैं, तो मेन फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक। एक आपको समझाने के लिए बताए थे मेन फॉर्मूला आपका ये है, नीचे अगर लिखना हो चौथा फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस, क्या लिखना हो एरिया ऑफ बेस तो सिंपल पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, देखो पहला इसका वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल। और तीसरा होता है हमारा टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या होता है। देखो टोटल सरफेस एरिया कोण की हम बात करें तो आपको बताओ कोण में कितने सरफेस आपको दिख रहे हैं, दो, एक तो सी एस ए और एक नीचे का। तो आप देखो ध्यान से देखो, अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये सॉलिड फिगर, तभी तो सरफेस की बात कर रहे हैं ना, ये फिगर कैसा है सॉलिड, ये हॉलो तो नहीं है। तो क्लास टेंथ में हमेशा हमने बताया, अभी भी बता रहे हैं कि आपको केवल और केवल सॉलिड पर ही क्वेश्चन आएगा, हॉलो पर नहीं आने वाला है। तो ये क्लास टेंथ का स्टार्टिंग चैप्टर लिखा हुआ है सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग मान के चले क्या सॉलिड, तो एक नीचे का बेस हो गया पाई आर स्क्वायर और एक ऊपर क्या हो गया पाई आर एल, तो दोनों को जोड़ दो तो पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल, तो यहाँ से कॉमन ले लो पाई आर को, तो आर प्लस एल, तो मेन फॉर्मूला ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। एक और जान लो चौथा फॉर्मूला कि मान लो यहाँ पे देखो, अगर आपको सी एस ए निकालना है, क्या निकालना हो यहाँ से देखो बोर्ड पे देखो, सी एस ए आपको क्या चाहिए आर और एल चाहिए, क्या चाहिए एल। मान लो आपको आर और एच दे दे, क्या दे दे एच, तो क्या एल निकाल लोगे, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 90, और 90 अगर बनेगा तो एल स्क्वायर इक्वल टू, या एल इक्वल टू क्या बन जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बनेगा, या इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो दिया हो उसमें से निकाल लो, समझ गए सब लोग, यही फॉर्मूला है। अच्छा एक चीज़ बता सब लोग, स्फीयर में और सर्कल में क्या अंतर है, सर्कल 2D है, जस्ट रुक जाओ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर, स्फीयर 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 एस पी एच ई आर ई, स्फीयर में और सर्कल में क्या डिफरेंसेस है, वेरी गुड, सर्कल में 5 लीटर आता है इसमें 6 लीटर आता है ना, इसका स्टार्टिंग एस से होता है, इसका स्टार्टिंग सी से होता है, बॉल और कॉइन, सिंपल से बात अगर कहा जाए सर्कल में और स्फीयर में, हाँ बताइए, हाँ 2D है और स्फीयर 3D है, ठीक है, सर्कल स्फीयर नहीं है, ठीक है, सर्कल जिसको हम लोग कॉपी बनाते हैं ना वो 2D हुआ, क्या हो गया 2D, और ये जो स्फीयर है वो क्या हमारा 3D, वो स्पेस में आ जाता है ना, नहीं। तो पहला इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था बताइए, 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू। उसके बाद अगला क्या हमारा सी एस ए ऑफ स्फीयर, हाँ बताओ ऐसे क्या हो जाएगा 4πr² 4πr² और टोटल भी यही आएगा, सी एस ए भी यही है और टोटल भी यही है, हाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो भी 4πr² आ जाएगा, नहीं स्फीयर, ठीक है। तो अब हेमी से ध्यान से देखो, एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर हेमी स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम क्या जाएगा हाफ, वॉल्यूम क्या जाएगा हाफ, तो पहले वॉल्यूम क्या था 4/3, उसको हाफ कर दो क्या बन जाएगा 2/3, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर वो बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यू, उसको हाफ कर दिया 4/3 को, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। उसके बाद हमारा क्या है सी एस ए, तो उसका भी सी एस ए भी क्या जाएगा हाफ ही हो जाएगा, पहले क्या था 4πr² लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा 2πr² बहुत सिंपल है।
लेकिन ध्यान रखो टी एस में ध्यान रखना, एक रुक जाओ, टी एस ए ऑफ हेमी स्पेयर। अब बताओ ये कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए बताओ, अब बताओ ये हॉलो या सॉलिड है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। अगर ये सॉलिड है तो ऑब्जर्व करो, एक तो सरफेस नीचे जाएगा, तो कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस का क्या में लिखा है, और ऊपर का एक बेस नहीं आया सर्कुलर, अगर उसको काटेंगे तो ऊपर कैसा बन जाएगा, जैसे कॉस्कोपल देखो हो, तो वो हॉलो हो गया, वो क्या हो गया, मतलब भरा हुआ होता नहीं, और उसे बेस से काटते तो ऊपर का बेस सरफेस बनेगा ना, किस में बन जाएगा, सर्किल के सब में, तो उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका 2πr² प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, 3πr². ये हो गया टी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। मान लो सपोज इसको मान के चल रहे हैं, ये हमारे दोनों क्यूब है, क्या हमारे दोनों क्यूब है, दोनों का लेंथ डायमेंशन सेम है, और ऐसे जोड़ दिया इसको, तो बताओ जोड़ने पे अगर इसको इन टू इन ज्वाइन किया गया इसके क्या बढ़ेगा, लेंथ, क्या बढ़ जाएगा, लेंथ, लेकिन बाकी चीज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, मेरे पास समझ में आया, सिंगल ऐसे रहेगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ। तो ध्यान रखना कि आपको इसको देखना कि कहाँ से जोड़ा गया, कहाँ से, ये तो किलो क्यूब था, तो क्यूब का तीनों की तरफ जोड़े, चाहे लेंथ की तरफ जोड़े, चाहे ब्रेथ की तरफ जोड़े या हाइट की तरफ जोड़े, तो उसमें तो उसका स्केल वही बढ़ेगा नहीं। तो अब मान लो जब इस क्यूब को, दोनों क्यूब को जोड़ा गया तो अब ये क्या बन गया, क्यूब रहेगा कि क्यूबॉइड बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड अगर बन गया तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइन इन टू एंड, मतलब उसके एंड से दोनों को जोड़ा गया नहीं, क्या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, देखो लिख दिया क्यूबॉइड, क्या लिख दिया क्यूबॉइड, तो इसका क्या निकालना हमको, सरफेस एरिया। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इसका साइड फाइंड करना होगा, जिसका जो वॉल्यूम दिया हुआ कितना, इसका वॉल्यूम को दिया हुआ कितना, वॉल्यूम दिया हुआ 64 मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, साइड, तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यू, अब वॉल्यूम कितना है 64 इक्वल टू ए क्यू, देयरफॉर ए इक्वल कितना जाएगा 4, ठीक है। और इसको अब केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड बनाएंगे, इसको ऐड किया गया था इन टू एंड, इन टू एंड, तो आपका अब लेंथ कितना जाएगा 8, लेकिन बाकी चीज़ क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा, 4, नहीं समझ आएगा, ये दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्यूबॉइड तो बन गया ना, तो बढ़ा गया इसका लेंथ बढ़ा, लेकिन बाकी ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा, सेम, देख तो इसका ब्रेथ और इसका हाइट क्या है, सेम है, तो ब्रेथ को कितना लिखेंगे हम लोग 4, और हाइट भी कितना 4, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब के अंदर एल बी और एच कितना था, 4 था, कितना था 4, लेकिन जब इसको इन टू एंड ऐड किया गया तो लेंथ बढ़ गया, बाकी चीज सेम रहेगा, समझे। तो टी एस ए क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू एल बी 8 गुने कितना 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, चलिए सॉल्व कीजिए, तो 32 प्लस 16 प्लस 32, इसको ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32 64 प्लस 80, ठीक है, आंसर इतना आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।